एक गांव में काली चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर रात को निकलती और गांव वालों के दरवाजों पर दस्तक देती, और जो कोई गांव वाला दरवाजे को खोलता, चुड़ैल उसे अपने साथ उठा ले जाती। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे और एक दिन इस समस्या से निपटने के लिए पंचायत करते हैं। अरे गांव वालों, ये चुड़ैल तो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इससे निपटने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा। अगर किसी भाई के पास कोई उपाय हो तो बताओ। उसी गांव में नट्टू नाम का एक आदमी रहता था जो कि पढ़ा लिखा और समझदार था। सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, ये चुड़ैल पहले दरवाजा खटखटाती है और फिर लोगों को उठाती है। मुझे लगता है अगर हम अपने घरों के आगे चुड़ैल मत आना लिख दें, तो ये चुड़ैल नहीं आएगी। गांव वाले और सरपंच जी को नट्टू की बात समझ में आ जाती है और सारे गांव वाले अपने घरों के आगे लिख देते हैं, चुड़ैल मत आना। रात होते ही चुड़ैल आती है और चुड़ैल मत आना लिखा देखती है। अरे, ये गांव वालों ने अपने घर के बाहर क्या लिखा है? लगता है मुझे कल बुला रहे हैं। फिर चुड़ैल सारे गांव का चक्कर लगाती, लेकिन सभी जगह चुड़ैल मत आना लिखा होता है। ये देखकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक चुड़ैल रोज आती और घर के बाहर लिखा हुआ देखकर चली जाती। गांव वाले इस बात से बहुत खुश थे। उसी गांव में टल्लू नाम का एक मनचला रहता था जो कि आने जाने वाली लड़कियों को रोज छेड़ता था। एक दिन नट्टू की बहन छबीली टल्लू के घर के सामने से जा रही होती है। उसे आता देख टल्लू छबीली को छेड़ने लगता है। आशिक बनाया आपने, डार्लिंग कहाँ जा रही हो इतनी छल छबीली बनकर? जरा इधर भी नजर भर कर देख लो, हम भी मिस्टर इंडिया हैं गांव के। छबीली को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो टल्लू को गुस्से में बोलती है, ज्यादा मस्करी आ रही है तो बताऊं, अभी चप्पल निकाल कर मार मार कर तुझे छैल छबीला बना दूंगी। शक्ल देखो बंदर जैसी है और चला है मिस्टर इंडिया बनने। मेरे भैया को जानता नहीं है तू, मार मार कर तेरी सारी आशिकी निकाल देंगे। उस नट्टू को जानता हूँ, इतना फट्टू है वो, मुझे पता है। जा उसी को बुला लाना, उसके लिए चूड़ियां तैयार रखी है मैंने। उस समय तो छबीली वहां से चली जाती है, लेकिन अपने अपमान पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपके से जाकर टल्लू के घर से चुड़ैल मत आना की जगह काटकर चुड़ैल आना लिख देती है। अब आएगा मजा, बहुत मनचला बनता है। रात में इसकी अम्मा चुड़ैल आएगी तो सारी आशिकी निकल जाएगी। मजा आएगा। फिर छबीली वहां से चली जाती है। रात होते ही चुड़ैल वहां आती है और टल्लू के घर के आगे चुड़ैल आना लिखा देखकर उसका दरवाजा खटखटाती है। लगता है ये मुझसे मिलना चाहता है, तभी इसने चुड़ैल आना लिखा है। चलो आज का शिकार तो मिल गया। टल्लू अपने घर का दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को सामने देखकर डर जाता है। अरे अरे मर गया रे, ये चुड़ैल मेरे घर पर कैसे आ गई? मैंने तो अपने घर के बाहर चुड़ैल मत आना लिखा हुआ था, ये क्या हो रहा है? तू बहुत दिलेर है मेरे मन चले, जो मुझसे खुद मिलना चाहता है। चल अब मेरे घर पर चलकर छैया छैया करेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल टल्लू को अपने साथ उठाकर ले जाती है। अरे मर गया रे, बचाओ कोई तो बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, अरे मर गया रे। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ कर ले जाती है। टल्लू के गायब होने की बात पूरे गांव में तेजी से फैल जाती है। अरे भैया तू का पता है, वो टल्लुआ को चुड़ैल उठा के ले गई। तू काहे चिंता करे तो भाई, ठीक ही हुआ, बहुत परेशान करता था गांव की लड़कियों को, मिल गई सजा उसको अपने कर्मों की।
उधर टल्लू के गायब होने की बात छबीली को भी पता चल जाती है और वो बहुत घबरा जाती है और जाकर सारी बात अपने भाई नट्टू को बताती है। भैया, वो टल्लू मेरे कारण ही आज इस मुसीबत में फंसा है। वो मुझे छेड़ रहा था और आपको भला बुरा कह रहा था, इसीलिए मैंने उसके घर के बाहर चुड़ैल आना लिख दिया। छबीली, मेरी बहन, ये तुमने बहुत गलत किया है। हमें किसी से इस तरह बदला लेने का कोई हक नहीं है। पता है, तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में है और पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई, किसी तरह उसको बचा लो। फिर नट्टू वहां से चला जाता है और टल्लू की जान कैसे बचाए उसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दोस्त दीनू और रमेश आ जाते हैं और उसे चिंता में देखकर उससे पूछते हैं, अरे नट्टू, क्या हुआ? काहे इतना चिंता में हो? कौनो परेशानी है का? फिर उन दोनों के कहने पर नट्टू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमेश बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। छबीली बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे हमको बताना चाहिए था। हम अपनी बहन को छेड़ने वाले के दांत तोड़ देते। वैसे अगर हमारी बात मानो तो ठीक ही है, गया मन चला यहाँ से। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? किसी जान लेना गलत बात है और टल्लू छबीली की वजह से फंसा है, उसकी जान हमें हर कीमत पर बचानी होगी। ठीक है भैया, अगर आप कहत हो तो यही ठीक होगा। वैसे एक ठो साधु है हमारी नजर में, अगर आप कहो तो हम तीनों जाकर वहाँ पूछ सकते हैं इस समस्या का इलाज। फिर वो दोनों दीनू की बात मानकर दीनू के साथ साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा तपस्या में लीन होते हैं, लेकिन उन तीनों के आने की आहट सुनकर अपनी आंखें खोलते हैं। आओ नट्टू बेटा, मुझे पता था कि तुम आओगे, आओ। साधु बाबा की इस बात पर नट्टू बड़ा हैरान होता है और बोलता है, अरे बाबा, आपको कैसे पता मेरा नाम नट्टू है और मैं यहाँ आऊंगा? बेटा, मुझे सब पता है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और अपनी बहन के किए हुए काम को ठीक करने आए हो। हाँ बाबा, आप तो सब जानते ही हैं। अब आप बताओ, मैं अपनी बहन को इस पाप से कैसे बचा सकता हूँ? बेटा, हम तुम्हारी इस नेक काम में पूरी मदद करेंगे। तुम्हारे गांव वालों ने बहुत साल पहले एक गरीब पति पत्नी को आदमखोर होने के शक में मार डाला था और उनकी लाश को नदी किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था और तुम्हें उस चुड़ैल को उसके पति की लाश से मिलाकर दोनों की लाश का साथ में अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं और नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगते हैं। भैया, किसी ने सही कहा है, दोस्ती इम्तिहान लेती है और हम जैसे दोस्तों की जान लेती है। दीनू, तुम भी ना कितने डरपोक हो। अरे कुछ नहीं होगा, और मर भी गए तो क्या है? देखो रमेश भैया, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन ये जान जाने वाली बातें ना किया करो। हाँ। फिर तीनों पीपल के नीचे की खुदाई करने लगते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल के पति का कंकाल निकलता है और बोलता है, कौन है दोस्त जिसने मुझे नींद से जगाया? मैं उसे खा जाऊंगा। अरे कौन है भैया, सीधा मरने मारने की बात कर रहा है। कहा था मारने दो उस मनचले को, और इस कंकाल को देखो, पेट ही नहीं, हड्डियों का ढांचा है ससुरी का, और खाने की बात कर रहा है। फिर नट्टू कंकाल से बात करता है। देखो कंकाल जी, हम आपको आपकी पत्नी से मिलाने आए हैं,
ताकि आप दोनों इस योनि से मुक्त हो जाएं और साथ रह पाएं। मेरी पत्नी अब भी मेरा इंतजार कर रही है। वाह, मुझे उससे जल्दी से मिलवा दो। फिर उन तीनों के समझाने पर कंकाल उन तीनों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर कंकाल और वो तीनों चुड़ैल की गुफा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कंकाल चुड़ैल को आवाज लगाता है, प्रियतमा बाहर आओ, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। कंकाल की आवाज सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और कंकाल से लिपट जाती है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मेरा प्यार तुम्हें खींच लाएगा। मुझे ये तीनों लेकर आए हैं और इन तीनों ने हमें फिर से मिलवाने का वादा किया है। तुम इनके आदमी को छोड़ दो। फिर कंकाल के कहने पर चुड़ैल टल्लू को आजाद कर देती है। टल्लू आजाद होकर नट्टू के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो नट्टू भैया। अरे नहीं नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही काफी है। फिर चारों मिलकर चुड़ैल और कंकाल की लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं और चुड़ैल और कंकाल इस चुड़ैल योनि से आजाद हो जाते हैं।